दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑटोमेटिक वाटर डिस्पेंसर बनाना सिखाऊंगा आईआर सेंसर का यूज करके। ठीक है, मेरे सब्सक्राइबर्स के रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो बनाया है, तो आई होप आपको ये पसंद आएगा। ठीक है, ये एक लो कॉस्ट वाटर डिस्पेंसर मैंने बनाया है। ठीक है, आईआर बेस्ड है ये। आप आईआर सेंसर आप जानते ही, मैंने पिछले वीडियोज में बताया था आईआर सेंसर भी कैसे बनाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पावर स्विच है, और यहाँ देख सकते हैं एक चार्जिंग मॉड्यूल है, चार्जिंग सर्किट है जिसमें मोबाइल चार्जर कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आईआर सेंसर है। आईआर सेंसर के सामने जैसे कोई ऑब्स्टिकल आएगा तो ये पंप को ऑन करेगा, और ये वाला मॉड्यूल जो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस बोतल में पंप है, उस पंप को ऑन करेगा और हम अपना हैंड वॉश कर सकते हैं। जब तक यहाँ पर आईआर रेंज के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तब तक मोटर ऑन रहेगा और हम हैंड वॉश कर पाएंगे। जैसे हम हाथ हटाएंगे ये पानी डिस्पेंस करना बंद कर देगा। इसका यूज हम कर सकते हैं ऑटोमेटिक लिक्विड सॉप डिस्पेंसर के रूप में भी। ठीक है, आई होप आपको पसंद आएगा। इस प्रोडक्ट का यूज़ हम कर सकते हैं ऑटोमेटिक केमिकल डिस्पेंसर के रूप में, ऑटोमेटिक लिक्विड सॉप डिस्पेंसर ऑफकोर्स, ऑटोमेटिक हैंड वॉश के लिए, ठीक है, और ड्रिंकिंग वाटर डिस्पेंसर के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको किस तरह से ऑपरेट करना है। फिर से एक बार यहाँ पावर ऑन किया हमने स्विच को, और जैसे ही हमारा हाथ इसके आईआर रेंज में आएगा पानी डिस्पेंस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये आईआर बेस्ड जो है ये मॉड्यूल यूज़ किया है हमने, तो आईआर बेस्ड वाटर डिस्पेंसर ये है। ये ज़्यादा रिलायबल नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये धूप में काम नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने इसको ऐसा रिलायबल बनाया है कि इसे हम आउटडोर में भी यूज़ कर पाएंगे काफ़ी हद तक। ठीक है, एकदम धूप में तो हम डेफिनेटली नहीं यूज़ कर पाएंगे, लेकिन अगर ओपन में कहीं शेड हो तो हम इसे यूज़ कर पाएंगे, इतना रिलायबल मैंने इसे बना दिया है। ठीक है, हालांकि अगर हमें बेस्ट चाहिए तो हम आर्डुनो बेस्ड ही बनाएंगे। ठीक है, अगर हमें आईआर सेंसर का यूज़ करके भी बेस्ट वाटर डिस्पेंसर बनाना है तो हम जो है आर्डुनो का यूज़ करेंगे, और कोडिंग के थ्रू उसको हम यूज़ करेंगे तो अच्छा सैनिटाइजर बन जाएगा, अच्छा वाटर डिस्पेंसर बन जाएगा। ठीक है, फिलहाल हमने जो आईआर सेंसर बनाया है ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप देख सकते हैं इतनी देर से मैं आपके सामने वीडियो में यही पब्लिश कर रहा हूँ किस तरह से ये सेंसिंग कर रहा है, कैसे वाटर डिस्पेंस कर रहा है, तो अभी तक आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं आया है। ठीक है, ये मैं अभी इनडोर शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आउटडोर भी शूट करके आपको बताऊँगा। चलिए दोस्तों इसके कंस्ट्रक्शन पर ज़रा हम ध्यान देते हैं। देखिए, इसको हमने इतना छोटा बनाया है कि छोटे से बॉक्स में फिक्स हो के बॉटल के ढक्कन के ऊपर ही फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसको बॉटल के ऊपर माउंट करना बहुत ही आसान हो गया था। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक रेडीमेड आईआर मॉड्यूल यूज़ किया है। आईआर मॉड्यूल जो मार्केट में अवेलेबल है दो टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव को आउट करता है सेंस करने पर, और एक आईआर रेंज में कोई ऑब्स्टिकल होता है तो पॉजिटिव को आउट करता है। तो ये वाला सेंसर जो है ये पॉजिटिव को आउट करता है, आउटपुट में इसके हाई आता है। ठीक है, तो जो हाई आता है वो एनपीएन ट्रांसिस्टर के बेस पे दिया जाता है। एनपीएन ट्रांसिस्टर ऑन करके इस रिले को ऑन करता है, और इस रिले का ऑन जो होता है इस इंडिकेटर्स पर हम देख सकते हैं ये कब ऑन है। ठीक है, और इसका पंप साथ ही ऑन हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं एक पावर स्विच है, इस पावर स्विच को ऑन करने पर यहाँ से पावर मिलेगा। नीचे आप देख सकते हैं एक बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, उस बैटरी को चार्जिंग के लिए हमने एक मोबाइल सॉकेट भी यहाँ कनेक्ट किया, जिसे मोबाइल के चार्जर से कनेक्ट करके इस बैटरी को हम चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही कॉम्पैक्ट मैंने सर्किट बनाया, आप देख सकते हैं। सब्सक्राइबर्स के रिक्वेस्ट पर मैंने ये आईआर बेस्ड वाटर डिस्पेंसर बनाया है, हालांकि मेरी चॉइस तो है अल्ट्रासोनिक और आर्डुनो बेस्ड। ठीक है, यहाँ पर ही आईआर मॉड्यूल से डायरेक्टली हमने रिले ड्राइवर से कनेक्ट किया है, और एक नीचे बैटरी लगा दिया है ताकि इसको हम बिना मोबाइल चार्जर के भी यूज़ कर सके, बिना पावर सप्लाई के भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर इसकी बैटरी लगा दी है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि रिलायबल बनाना तो हमने इसको रिलायबल भी बनाया है। आप देख सकते हैं हमने जो आईआर का जो रिसीवर था ब्लैक वाला एलईडी, इसके ऊपर जो है श्रिंकेबल सिल्यू पिना दिया है, ताकि एनवायरनमेंट का मतलब एनवायरनमेंट में जो आईआर रेज है सन रेज, ठीक है, उनसे आईआर रेज इसके ऊपर ना गिरे और ये जो है ऑटोमेटिक चलता ना रहे धूप में। इसलिए मैंने काफ़ी इसको सिक्योर बनाया है, कोशिश की है कि ये आउटडोर भी काम कर सके। और अभी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा कैसे इसको हम आउटडोर में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ नीचे लगा हुआ है एक बैटरी जो है पंप लगा हुआ है। पंप सबमर्सिबल टाइप का मैंने यूज किया है, जो लिक्विड सोप को शैम्पू को भी डिस्पेंस कर सकता है, डेफिनेटली अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर को भी ये डिस्पेंस कर पाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर और कमेंट तो कर ही दीजिए। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं अल्ट्रासोनिक बेस्ड वाटर डिस्पेंसर बनाऊँ जो ज़्यादा रिलायबल है इससे, तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा अल्ट्रासोनिक बेस्ड वाटर डिस्पेंसर के बारे में। ठीक है, चलिए फिलहाल
फिलहाल हम देखते हैं इसको कैसे हम इसको बना सकते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं हम आउटडोर, ठीक है, ताकि बाहर के एनवायरनमेंट से इसको कितना रिलायबल बनाया है हमने। दोस्तों इसका आउटडोर टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको बाहर ओपन में ले आया हूँ और आप यहाँ देखेंगे कि मैं यहाँ पे जब हैंड लेके आता हूँ तो ये वापस वाटर डिस्पेंस कर रहा है, ठीक है, इट्स वर्किंग ओके। लेकिन आज जो डे है वो रेनी डे है, ठीक है, तो आज सन जो है पूरी ब्राइटनेस पर नहीं है, तो IR रेज इतनी ज़्यादा नहीं है एनवायरमेंट में, ठीक है। तो अभी ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है दिन के उजाले में भी, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको आपको बताया था कि IR सेंसर के ऊपर, IR का जो रिसीवर LED उसके ऊपर थोड़ा सा कवर लगाया, जिसकी वजह से ये काफ़ी रिलायबल हो गया है, ठीक है। और 5 वोल्ट पे ये ऑपरेट हो रहा है, 3.5 वोल्ट की बैटरी से ये चल रहा है पूरा का पूरा। ये तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पोर्टेबल मैंने बना दिया, काफ़ी स्मॉल मैंने बना दिया है, सब्सक्राइबर्स के रिक्वेस्ट पे बनाया है। हालांकि मैंने सब्सक्राइबर्स को बोला था कि अल्ट्रासोनिक बेस ज़्यादा बेटर है, लेकिन उन्होंने बनाया कि सर आप तो IR बेस भी बनाएंगे तो वो बेटर ही बनेगा, ठीक है। तो उनकी रिक्वेस्ट पर ही मैंने ये बनाया है, तो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसका प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता हूँ, सर्किट डायग्राम और रिलेटेड PCBs और क्या क्या हमको यूज कॉन्फ़िगरेशन के आइटम्स हमें यूज करने को। यहाँ पर ये अल्ट्रासोनिक बेस वाटर डिस्पेंसर है, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी कॉम्पैक्ट और छोटा है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे हाथ नीचे आता है अल्ट्रासोनिक की रेंज में आता है, तो यहाँ पर ये वाटर डिस्पेंस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। काफ़ी रिलायबल है ये आउटडोर इनडोर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, और ये जो है किसी और IR बेस से ज़्यादा रिलायबल है। यहाँ पर आप वॉल्व देख सकते हैं, वॉल्व से हम क्या करेंगे कि पानी के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, ज़्यादा करना है कम करना है। ये भी लिक्विड सोप को डिस्पेंस कर सकता है, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर को डिस्पेंस कर सकता है, ऑफ कोर्स वाटर को तो डिस्पेंस करेगा ही, इसके अलावा पानी को डिस्पेंस करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर को भी डिस्पेंस कर सकता है, हैंड वॉश के लिए भी ये काम आ सकता है, काफी रिलायबल है, ठीक है। चलिए इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। देखिए इसको मैंने पावर दिया है पावर बैंक से, 5 वोल्ट की 2 डिफरेंट सप्लाईज दी है, ठीक है, और यहाँ पर ये 2 स्विच दिए हैं, एक मैनुअल के लिए और एक ये रीसेट के लिए, कभी अगर कंफ्यूज हो जाए माइक्रो कंट्रोलर, वैसे होता नहीं है, फिर भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं अल्ट्रासोनिक लगा हुआ है, ठीक है, और ये कैसे काम करता है मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक बैटरी सॉरी मोटर लगी हुई है, ये सबमर्सिबल मोटर है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में इससे आगे, ठीक है। यहाँ पर ये हमने पावर बैंक यूज़ किया है, तो ये पावर बैंक से सप्लाई ले रहा है, इसे 5 वोल्ट की 2 सप्लाई चाहिए, एक माइक्रो कंट्रोलर के लिए, ठीक है, और दूसरा जो है वो मोटर के लिए। हमने डिफरेंट अलग अलग सप्लाईज यूज़ किए, सेम सप्लाई हम यूज़ नहीं कर सकते, हम बड़ा पंप भी यूज़ कर सकते हैं 12 वोल्ट का, और उसको साथ भी चला सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये बनाना चाहते हैं